एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला समूह के ऊपर छोटी मोटी बातों को लेकर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत तुस्मा का है, जहां मां काली स्व सहायता समूह विगत 8 वर्षों से शासकीय उचित मूल्य दुकान में चावल वितरण किया जा रहा था। वहीं कुछ लोगों द्वारा कुछ समय पहले मां काली स्व सहायता समूह के चावल वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी, जिस पर अधिकारी ने मां काली स्व सहायता समूह को निलंबित कर दिया था। जब यह पूरा मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो मीडिया कर्मियों ने मां काली स्व सहायता समूह के अध्यक्ष से बात की तो उनके द्वारा साफ शब्दों में बोला गया कि गांव के कुछ विपक्ष लोगों द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं मामले की पुष्टि के लिए ग्रामीणों से बात की गई तो ग्रामीणों ने भी मां काली स्व सहायता समूह के पक्ष में बात कही। मां काली स्व सहायता समूह के अध्यक्ष ने प्रशासन से जांजगीर चांपा SDM से बात की तो उन्होंने निष्पक्ष जांच करने की बात कही। बढ़िया रहे करके बैठा उठा चाय पानी बैठा दीदी पानी पिला मेरे छह यहाँ जावा बढ़िया थी लगा बैठा कही बढ़िया बिल्कुल नहीं रही दी दिया फोटो खींच के देते चौर फिर ना सोसाइटी घर महीना दिन खुले छे अब बढ़िया चौर मिला थे माँ तो फिर शिकायत का नाम से हुआ और का नाम से तो जलन हुआ था ऊपर ओकरे नाम से हुआ थे शिकायत है अब कौन करवा था समिति जो रहते मन करवा थे अरे हाँ अतका कन चौर अतका सत्य फामा साहू कौन से नाम से सोसाइटी चला रहे थे आप लोग माँ काली महिला स्व सहायता समूह कितने समय से चला रहे थे हम लोग को 8 साल हो गया अभी क्या कारण है जो अभी आप लोग का अभी SDM मैडम पूछताछ पे आई चेकिंग पे जो शनिवार जा रहे हैं जो मैं चला रही हूँ तब तक अभी मेरे घर में एक दिन भी नहीं आए हैं चावल लेने और मेरे खिलाफ वो ना शिकायत दर्ज करवाए हैं कि 1-2 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि जबकि वो आते ही नहीं हैं उसके बच्चे लोग आते हैं चावल लेने मनोज कुमार है जो उसका लड़का वही आता है आज क्या लग रहा है निष्पक्ष जांच हो रही है क्या नहीं हम लोग के जो पक्ष के हैं ना उसका बयान गलत लिखा जा रहा है उन लोग का सही लिखा जा रहा है उन लोग को पैसे में खरीद के लाए गए हैं और जो भी लिखा जा रहा है ना उन लोग का सही लिखा हम लोग का गलत लिखा जा रहा है इनको खरीद के लाया गया जो है सदस्य उसके जो आदमी है उन लोग को तो शासन से आपको जो मैडम आई है SDM मैडम उनसे क्या आपका अपील है उनसे क्या गुहार है हम मैडम जी से बोले हैं कि मैडम ये गलत हो रहा है हम लोग नहीं देंगे बयान हम लोग ऐसे करके हम लोग आ गए अपने जितना लोग गए थे सदस्य गए थे हमारी समिति के सब हम लोग वापस आ गए हम लोग कुछ भी बयानबाजी नहीं दिए हैं मैडम जी को यहाँ के सरपंच का क्या कहना है इस पर यहाँ का सरपंच ना दो पक्षी करवा दिए हैं गांव को इतना लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं वही शिकायत करवा रहे हैं और गांव को अपना जो भी पैसा वैसा निकाले हैं उसका अपना काम हम कुछ करवा भी नहीं रहे हैं और पूरा गांव को दो पक्षी कर दिए हैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसीलिए अभी चावल वाला मामला उन्हीं का हाथ है क्या हाँ उन्हीं का हाथ है वही शिकायत करवाए हैं वही ना 2-3 लोग को गुंडा बना के रखे हैं कुछ भी काम होता है ना तो राजकुमार बंजारे हैं उसको अपने साथ में लेकर आते हैं गुंडागर्दी करने के लिए क्योंकि वो अन्य जाति से हैं तो कुछ भी होगा तो हम लोग इन लोग को फंसा देंगे करके उनको लेकर आते हैं राजकुमार बंजारे को हर कहीं भी कुछ भी हो उसको लेकर ही जाते हैं ग्राम पंचायत उसमें में पूर्व में जो सोसाइटी यहाँ पे संचालित करती माँ कंकालीन स्व सहायता समूह उन्हें हमने निलंबित किया था तो पुनः बहाल करने के लिए अनुशंसा प्राप्त हुई थी तो उसके तहत हम लोग अभी यहाँ पे जांच पे आए थे ग्रामीण जनों के बयान दर्ज किए हैं पूरा नियमितता में हमने निलंबित किया था 35 ग्रामीणों का हमने कथन दर्ज किया गया है यहाँ पर अलग अलग पंचों का ग्रामीण जन का समूह की महिलाओं का सबका कथन दर्ज किया है उसके पश्चात जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाए मैम देखा जा रहा है कि 8 साल से वो लगातार चला रहे थे उसके बाद कभी शिकायत नहीं हुई है ऐसा क्या हुआ 1 साल में जो बार बार शिकायत प्रतिवेदन महिला समूह को भेजा जा रहा है एक तरफ सरकार महिला शक्तिकरण को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और ऐसा उन्हीं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और शिकायतबाजी देखिए यहाँ पे जांच हुई थी तत्कालीन नायब तहसीलदार ने जांच किया था तो अनियमितता पाई थी उसके बेस पे हमने निलंबित किया था अब समूह वालों ने उसमें बहाल करने के लिए आवेदन लगाया है तो बहाल करने के लिए पूर्व में जांच करना जरूरी होता है जांच करके फिर आगे डिसाइड करेंगे जांजगीर चांपा से संवाददाता लाला उपाध्याय की रिपोर्ट